अब देखिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे कि आइस को जब आपने रखा तो इसने क्या किया, वाटर को डिस्प्लेस कर दिया होगा। तो सिर्फ इमेजिन कीजिए, अगर इसने वाटर को डिस्प्लेस किया इसका मतलब यहाँ पे कैविटी क्रिएट कर दी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पहले इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है वो निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसका वॉल्यूम और जो कैविटी का वॉल्यूम है अगर सेम होगा तो क्या होगा, लेवल वही रहेगा, ठीक है। अगर इसका पानी में जो कन्वर्ट हो रहा है आइस, अब उस गड्ढे के वॉल्यूम से ज्यादा है तो वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा, ठीक। अगर गड्ढे का वॉल्यूम इसमें जो वाटर कन्वर्ट हो रहा है उससे वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या होगा, लेवल डाउन। पहले ये लिखिए कॉन्सेप्ट, लेवल डाउन होगा ना, क्यों नहीं होगा, अभी कितने सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारी कैविटी क्रिएट हो रही है मतलब कि इनिशियल जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है वो निकाले। तो हमने कहा कि जो भी गड्ढे का वॉल्यूम आया है, अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब आइस आपका पानी में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो पानी बना उसका वॉल्यूम अगर उस गड्ढे के वॉल्यूम के बराबर है तो बिल्कुल बराबर में आ जाएगा, तो मतलब कि वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर गड्ढे का वॉल्यूम कम है और पानी जो बना वो ज्यादा है तो ओवरफ्लो करने लगेगा, ओवरफ्लो करेगा मतलब कि लेवल बढ़ेगा। और थर्ड केस, अगर गड्ढे का वॉल्यूम ज्यादा है तो पानी उसमें कम भरेगा तो आधा खाली रह गया ना कुछ, तो इसका मतलब वाटर लेवल डाउन होगा उसको भरने के लिए। पहले ये लिख लीजिए, अब लोग हम लोग सबसे पहले इनिशियल केस देखते हैं जब आइस आपका मेल्ट नहीं हुआ। अगर इनिशियल केस के बारे में बात करें, इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, अब बायंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू जी। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉडी का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस, जी तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मतलब कि गड्ढे का वॉल्यूम निकाल लिया आपने। अब ये आपका आफ्टर मेल्टिंग आइस आपका पानी में कन्वर्ट हो रहा है, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, मास। तो यहां पे पहला मास कितना था, डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस, और ये कन्वर्ट हो गया वाटर में तो डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम न्यू जो बना, तो न्यू वॉल्यूम कितना बना पानी का, डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड का मतलब वाटर है, ठीक है। तो देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, अगर दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब जो लेवल है वो क्या रहेगा, सेम। फिर से आइस का क्यों दिमाग लगा रहा है,
ये क्यों डूबी होगी? पार्शियली डूबी रहेगी ना, डेंसिटी कम होती है आइस की। नोट कर लिए, गुड इवनिंग, वीडियो ऑन कीजिए। आप तो कितना लेट क्यों आते हैं? अब देखिए, पहले केस में आपने क्या देखा, एक वुड है जो कि पानी पे फ्लोट करेगा, ठीक। उसको ऊपर आपने क्या रखा, आयरन का पीस रख दिया कोई, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस आयरन के पीस को पानी में डाल दिया, तो आयरन तो सिंक हो जाएगा ना, ठीक। तो आपसे पूछा वाटर लेवल के बारे में, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा या इनसफिशिएंट डेटा। सेम तो रहेगा, कारण कैसे, जब रहेगा नहीं तो कारण क्यों सुनूंगा। हाँ, डिक्रीज कर, प्रूव कीजिए, प्रूव लॉजिकल नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था। पहले वॉल्यूम डिस्प्लेस निकालिए कि शुरुआत में कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था, और जब आपने आयरन को इसके अंदर डाल दिया तब को कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे कि हाँ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जल्दी से निकालिए और वीडियो ऑन करके बैठिए। काम तो बता दिए। डूबेगा तो क्या वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं करेगा? वो तो लास्ट में सिंक कर जाएगा। तो उससे क्या, तो डिस्प्लेस नहीं करेगा क्या, सिंक करेगा तो? सर आयरन का जो बेनिफिट भी ज्यादा है कि उससे क्या क्यों 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 जबरदस्ती वाली बात।
देखिए शुरुआत में इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली इसके वेट को बाइंड फोर्स बैलेंस कर रहा है, तभी तो फ्लोट कर रहा है पूरा सिस्टम। तो वेट का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ आयरन प्लस मास ऑफ वुड इनटू जी, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, बाइंड फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो यहां से आपने निकाला मास ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ आयरन वॉल्यूम ऑफ आयरन, प्लस मास ऑफ वुड का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ वुड इनटू वॉल्यूम ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ये आ रहा है इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आप लोग लिखेंगे जो इनिशियल वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वो हो रहा है डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ आयरन प्लस डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय आयरन ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वुड। ये आ रहा है इनिशियली, नोट कीजिए यहां तक। नोट कर लिया? यस सर। अब देखिए सेकंड केस, जब आपने आयरन को इसके अंदर डाल दिया, तो आयरन को इसके अंदर डालूंगा तो दो कारण वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, एक तो आयरन डूबा तो उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, ठीक, और एक तो वुड फ्लोट करेगा अभी भी उसने डिस्प्लेस किया होगा। तो हम लोग सबसे पहले किसके कारण निकालते हैं, ड्यू टू आयरन। आयरन के कारण कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम आयरन का होगा क्योंकि वो तो सिंक हो गया है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन ड्यू टू वुड। वुड के कारण कितना होगा, वुड का वेट डेंसिटी ऑफ वुड वॉल्यूम ऑफ वुड इनटू जी, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, बाइंड फोर्स डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू जी। तो यहां से वॉल्यूम डिस्प्लेस आ गया डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वी ऑफ वुड। तो देखिए शुरुआत में वी इनिशियल कितना था, वी इनिशियल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ आयरन प्लस डेंसिटी ऑफ वुड डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वुड। और वी फाइनल कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेस कितना हो रहा है वाटर, वी आई प्लस डेंसिटी ऑफ वुड डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। अगर यहां पे देखें ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये तो सेम है, ठीक, ये दोनों चीजें तो सेम है। यहां पे डेंसिटी ऑफ आयरन इज डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है ना, ठीक है, तभी तो सिंक होता है। तो आपने इसको मान लिया, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 VI मान लिया, और ये कितना आ रहा है, VI, तो कौन ज्यादा है, पहला वाला। तो मतलब कि V initial is greater than V final, मतलब कि शुरुआत में ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा था, अगर शुरुआत में ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा था तो अगर मैं सिंपल कोई सा भी बॉटल लूं इसको पानी के अंदर डालूं तो वॉटर लेवल ऊपर आएगा ना, इसको बॉटल को पानी के अंदर डालते हैं तो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, बाद में वॉल्यूम कम डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब कि वॉटर को बाहर निकालिए थोड़ा सा, तो वॉटर लेवल नीचे जाता है।
तो क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा वॉटर लेवल। जो कि मेल्ट खुद भी अगर मेल्ट होता है उसके सरफेस में तो फिर वो वॉल्यूम सेम रहेगा। नहीं तो सब पूरा खेल तो किसका है, डेंसिटी का है। तो बस जब आपके सामने पता है तो डेंसिटी चेंज करके देखते हैं ये क्या होगा। क्लियर है? अब देखिए इसको कंसेप्टुअली कैसे कर सकते थे। शुरुआत में आपने क्या कहा कि जो बायन फोर्स है वो दो चीजों को बैलेंस कर रहा है, एक तो आयरन को भी और वुड को भी। तो शुरुआत में वेट ज्यादा है ना, ठीक है। तो अगर मैं बायन फोर्स को देखूं तो बायन फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन टू जी। तो ये तो कॉन्स्टेंट है, लिक्विड का डेंसिटी और जी। इसका मतलब बायन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो शुरुआत में इसका वेट ज्यादा है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस भी ज्यादा होगा क्योंकि बायन फोर्स इसी के वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक। सेकंड केस में आयरन सिंक हो गया, ठीक है, लेकिन वुड का वेट तो अब कम हो गया ना। अगर वुड का वेट कम हो गया इसका मतलब बायन फोर्स कम हो गया, बायन फोर्स कम हो गया तो वेट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। सिंक हो गया ना इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने उसको निकाल दिया। तो सेकंड केस में वॉल्यूम डिस्प्लेस कम हो रहा है, पहले वाले केस में वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा हो रहा है। तो क्या हर एक क्वेश्चन में हम लोग ऐसे करके थोड़ी ना देखेंगे, ठीक। तो लिख लीजिए लॉजिकली कैसे करेंगे इसको। पहले केस में बायन फोर्स आयरन और वुड के वेट को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेस वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा होगा। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वुड के वेट को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस कम होगा। अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस कम हो रहा है तो पानी का लेवल डाउन हो जाएगा। नोट कर लिया? यस सर। चलिए देखें, ये आइस है, आइस क्यूब है और इसके अंदर एक आयरन है। तो आफ्टर मेल्टिंग of ice, water level increase, decrease, constant. Same concept previous question की तरह। वुड है और आयरन, ये पिघल गया, ये अंदर डूब गया तो क्या होगा, वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, लिख लीजिए सेम कॉन्सेप्ट। आंसर क्या है, लेवल डाउन होगा। और
नोट कर लिया? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। यस सर। हाउ टू चेक इम्प्योरिटी? अब देखिए इम्प्योरिटी हम लोग कैसे चेक करें। जैसे कि मान लीजिए कि आप ज्वेलरी शॉप में गए, वहां से कुछ आपने गोल्ड का आइटम खरीदा, उसमें लिखा हुआ था 24 कैरेट, लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है, कि वो है कि नहीं। उसने क्या किया, इसमें उसने क्या किया, गोल्ड भी मिलाया हुआ है और ब्रास भी मिला दिया साथ में, ठीक। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसमें कोई चीज मिली हुई है कि नहीं? तो वही हमें इम्प्योरिटी चेक करनी है, ठीक है। अब अगर गोल्ड है तो इसका डेंसिटी ऑफ गोल्ड मेरे को पता है, ठीक। ब्रास है तो ब्रास का डेंसिटी पता है, ठीक। हमने इसका वॉल्यूम मान लिया Vg और इसका वॉल्यूम मान लिया Vb, ग्रेविटी ग्रेविटी, यही तो वेट होगा, ठीक है। इसका वेट आपने मेजर किया, वेट मेजर करने के लिए हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम यूज करते हैं। आपने इसको स्प्रिंग से लगा दिया, ठीक है, तो स्प्रिंग जितनी रीडिंग लेगा वो क्या बताएगा, W1 वेट बताएगा। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके स्प्रिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बता रहा हूं। अब सेकंड केस में क्या किया, इस सिस्टम को आपने पानी में डाल दिया, इस सिस्टम को क्या किया आपने पानी में डाल दिया। अब मैं पानी में डालूंगा तो ये किसको मेजर करेगा, एपरेंट वेट को, ठीक है। अब एपरेंट वेट को मेजर करेगा तो एपरेंट वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स। एक्चुअल वेट W1 था, माइनस बाइंड फोर्स डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस। वॉल्यूम तो डिस्प्लेस, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो डिस्प्लेस करेगा, इनटू G। दो इक्वेशन, दो अननोन, V1 V2, मतलब कि VG और VB निकल जाएगा कितना वॉल्यूम मिलाया हुआ इसमें। आगे सर, लेकिन हम लोग जो सोनार की दुकान पर जाते हैं तो कितना खरीदते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम, उसको इससे मेजर क्या करेंगे? ये किसके लिए है, जो 2 किलो 10 किलो खरीदते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। यहां पे आपने क्या कहा, एक बॉडी है,
जिसकी डेंसिटी रो है और वॉल्यूम वी है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है टू रो, ठीक है। अब इसको आपने एच हाइट अंदर रखा हुआ है, तो सबसे पहले लॉजिकली देखिए, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये क्या करेगा, पार्शियली फ्लोट करेगा ना, लेकिन मैं तभी इसको जबरदस्ती नीचे ले आया अपने हाथ से पुश करके, ठीक। अब इसको मैं यहां से छोड़ूंगा तो यहां पे किसकी वैल्यू ज्यादा है, बायन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है ना, तो बायन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो इसको ऊपर की तरफ मूव करवाए। अब ऊपर की तरफ मूव होगा तो आपसे पूछा गया कि कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फाइंड एच मैक्स। इस वाले पोजीशन से आपने क्या किया, इसको रिलीज किया, फाइंड एच मैक्स। नहीं हुआ, अब देखिए यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे इस बॉडी पे दो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक आपका बायन फोर्स है। तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय बायन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, जीरो, रुकेगा ना वापस, फिर वापस नीचे आएगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि आपने रिलीज किया, ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, जीरो। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, और मूवमेंट कहां हो रहा है, ऊपर की तरफ, कितना मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, स्मॉल एच प्लस एच मैक्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस एम जी स्मॉल एच प्लस एच मैक्स। वर्क डन बाय बायन फोर्स, बायन फोर्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी में रहेगा तब तक लगेगा, ठीक है, तो बायन फोर्स ऊपर की तरफ और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, बायन फोर्स के कारण, बायन फोर्स कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वो तो इसी के इक्वल होगा ना क्योंकि इसके अंदर डूबा हुआ है, इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्मॉल एच इज इक्वल टू जीरो, और यहां पे एम जी को क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए, निकालिए निकालिए फटाफट। ऐसे भी करेंगे यार।
कितनी आ रही है एचमैक्स की वैल्यू, कितना आ रहा है एच? क्लियर है? सब मैरिड। अब देखिए, आपने देखा होगा कि सब मैरिन को हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा नीचे लेके नहीं जाते हैं, जैसे मूवी वगैरह में भी दिखाता है, ठीक है, कि हम लोग कहते हैं कि 300 मीटर 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक, इसके ऊपर इसके ज्यादा नीचे लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके नट बोल्ट ओपन होने लग जाते हैं, वो आपका क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा पूरा सबमरीन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखे, रुक जाइए, कई सारी चीजें रियलाइज होंगी, मैं पढ़ाता नहीं हूँ जल्दी, सबमरीन वाला पार्ट छोड़ देता हूँ। इस पे क्वेश्चन कभी ना पूछा जाएगा ना कभी आएगा, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ कि फ्लूइड में यहाँ पे कैसे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपने पढ़ा है, वही चीज अप्लाई करो दूसरे तरीके। अब मान लीजिए कि इसमें एक सिलेंडर है एनालिसिस के लिए, और इसकी लेंथ एल है, ये हाइट मान लीजिए एच वन है, और ये वाली हाइट आपकी H2 है, ठीक। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखूं, इस वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर है, P0 प्लस रो जी H1, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P0 प्लस रो जी H2। जो ऊपर वाला लिक्विड है इस पे प्रेशर ऐसे लगा रहा है, ठीक, और जो नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर है वो ऐसे लग रहा है। ये तो क्लियर है ना, ये आपको लग रहा है कि प्रेशर ही नीचे लगेगा, अगर नीचे लगेगा तो बॉडी कभी भी ऊपर जा ही नहीं सकती, वो हमेशा डूब जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ऊपर अगर मैं फोर्स निकाल लूं, तो आपने कहा कि ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, प्रेशर इंटू एरिया, पी नॉट प्लस रो जी एच वन इंटू एरिया, ए मान लिया। अब नीचे से फोर्स कितना लग रहा है, F2 is equal to P0 plus rho G H2 into area। अगर मैं नेट फोर्स देखूं, कौन सा प्रेशर ज्यादा था, तो इसका मतलब नेट फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ आ रहा है ये आपने निकाला, ये कितना रहा, F2 minus F1, तो P0 A प्लस रो जी एच टू ए माइनस पी नॉट ए माइनस रो जी एच वन इंटू ए। पी नॉट ए कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचा, रो जी एच टू ए माइनस एच वन ए, तो एच टू माइनस एच वन लेंथ हो जाएगा। तो आपने लिखा लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो आपने लिखा रो जी वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये सिलेंडर के अंदर डूबा हुआ है ना, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस किसके इक्वल होगा, तो रो जी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, यही तो बाइंड फोर्स होता है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। तो बेस ये शुरुआत में नहीं बताते, शुरुआत में बताते कंफ्यूज हो जाते। नोट कीजिए, फिर एक एक करके देखते हैं कि है क्या। P0
तो बायन फोर्स तो सिर्फ वेव को बनाने के लिए है, आपको प्रेशर निकालना आता है तो सब चीजें निकाल सकते हैं। पिटाई कर दूंगा, एनजी बॉडी पे लगता है। अरे बांजी बताया था ना कि इमेजिनरी बॉटल है, सब दिल के फोर्स लगाते हैं। नोट कर लिया? यस। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी रो क्या? बहुत सालों पहले जो पूछा गया। नोट कर लिया? देखिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि ये क्या है, सबमरीन है। जो सबमरीन की डेंसिटी होनी चाहिए वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए कि कम? ठीक है, तभी तो सबमरीन कहेंगे कि पानी के अंदर है वो। ठीक है, तो जो सबमरीन की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो इस सिलेंडर को आप लोग क्या मान लीजिए, सबमरीन है। ठीक, अगर ये सबमरीन है तो आपने कहा कि जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट और ऊपर की तरफ लग रहा है बायन फोर्स। ठीक है, तो यही तो अपेरेंट वेट होता है। तो इसका अगर मैं कुछ भी मोटर वगैरह नहीं लगाऊं तो नीचे मूव करेगा और ये सिंक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंडक्शन मोटर लगे रहते हैं ताकि वो नीचे की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करे, उसके कारण रिएक्शन फोर्स ऊपर मिले। ठीक है, कि वो एक पोजीशन पे रहता है सबमरीन। ठीक, अब मान लीजिए कि सबमरीन नीचे आ गया, वाटर लेवल पे आ गया, यहां पे सबमरीन पहुंच गया वाटर लेवल पे, मतलब कि नीचे ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया। ठीक, अगर सबमरीन ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया तो इस इसके नीचे पानी है क्या? नहीं, नहीं है ना। अगर इस सरफेस के नीचे पानी नहीं है तो नीचे से कोई फोर्स मिलेगा ही नहीं। ठीक, इसका मतलब F2 क्या हो गया, जीरो। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, F1। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ऊपर से फोर्स लग रहा है F1 के कारण P0 plus rho gh into area ऊपर के कारण, और इसका फोर्स तो ग्रेविटी तो था ही पहले से इसके पास, इतना फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पे अगर हम लोग एच के बारे में बात करें कि इसके ऊपर कितना पानी है, यही एच होगा ना, ये एच है, ये एच क्या है, 1 किलोमीटर ही ले लीजिए। ठीक, अगर 1 किलोमीटर है ये तो 1000 मीटर हो गया। ठीक है, ये 1000 मीटर और सबमरीन का ये छोटा तो होता नहीं, कितना छोटा सा है, उसके एरिया भी बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो ये लगभग लाखों टन का वेट लगने लग जाता है नीचे की तरफ, लाखों टन, एक एमजी भी है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये एमजी की वैल्यू है, मैंने कहा 10^8 न्यूटन। मैं पहले बता दूं उसके बाद बीच में टोकी कर दूंगा। मैंने कहा कि जो एमजी है इसकी वैल्यू मैंने मान ली 10^8 न्यूटन, और ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ना पानी के अंदर जाते ही, तो ये भी 10^6 या 10^8 के आसपास में आ गया, तो लगभग दुगना हो गया, ये 3 टाइम्स हो सकता है।
तो अगर एक बार सबमरीन को हमेशा कोशिश की जाती है कभी भी वो नीचे ग्राउंड लेवल पर टच ना करें, क्योंकि एक बार टच हो गया तो मोटर की ताकत नहीं होती कि उसको ऊपर उठा दे। और सोचिए कि इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है उसकी बॉडी के सरफेस पे, अगर इतना ज्यादा फोर्स लगेगा तो नट बोल्ट खुलने लग जाएंगे, ठीक है, उसके सरफेस को तोड़ते हुए पानी अंदर घुस जाएगा। तो टीवी वगैरह में दिखा देता है कि सबमरीन नीचे गया फिर ऊपर आ गया, लगभग ना के बराबर हो जाती है पॉसिबिलिटी अगर सबमरीन अंदर नीचे जमीन से टच हो गया तो। लेकिन वो मूवी में दिखा देते हैं कि सबमरीन नीचे गया फिर ऊपर आ गया, उतने देर में तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। वो तो लग रहा है मैं कम मना कर रहा हूँ, इसे एक लिमिटेशन होती है ना, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा एच की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, एक लिमिटेशन होती है कि हाँ यहीं तक ही रखना है सबमरीन को। टाइप सी चार्जर है क्या किसी के पास? नहीं है किसी के पास? एक बार अकेले से मांग के लेते आएगा। चार्जर चार्जर दीजिए ना, मोबाइल ऑफ होने वाला है, रात चल रही है सर, निकल रहे हैं सर निकल रहे हैं ना। मसूद सर, मसूद सर कितने देर तक हैं? ये अभी क्लास चल रही है, मैं चार्जर लेने के लिए आया हूँ, नहीं तो फिर आप निकल प्रेशर बढ़ जाता है। उनके वो ये बायो वाले हैं ना फैकल्टी, वो बताएंगे। Thank you.
क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे देखिए दो दो लिक्विड है, एक ऊपर लिक्विड है रो का और नीचे लिक्विड है थ्री रो का, इनविजिबल लिक्विड है, दोनों आपस में मिक्सअप नहीं होते और डेंसिटी भी अलग है, मिक्सअप होंगे भी नहीं जल्दी। अब यहाँ पे आपने एक सिलेंडर डाला जिसका डेंसिटी कितना है टू रो, तो आपको ये बताना है एक्स कितना होगा, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। उससे क्या मतलब, यहाँ पे बाय एंड फोर्स किसके कारण लगेगा, ऊपर वाले लिक्विड के कारण और नीचे वाले लिक्विड के कारण, दोनों के कारण, दोनों लिक्विड है ना तो दोनों लगाएंगे ना, ये थोड़े ना कि ऊपर वाले लगाए दोनों, लिक्विड के अंदर डाला हुआ है बाय एंड फोर्स ले गई, यही तो पढ़ा था कि किसी भी लिक्विड में अगर बॉडी को मैं सबमर्ज करूं तो लिक्विड बाय एंड फोर्स लगाता है, तो ऊपर वाले लिक्विड भी बाय एंड फोर्स लगाएगा, नीचे वाला लिक्विड भी लगाएगा, तो नेट बाय एंड फोर्स निकालिए वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, वेट ऑफ बॉडी फ्लोट करेगा ना या डूब जाएगा, क्योंकि नीचे वाले की डेंसिटी ज्यादा है बॉडी की डेंसिटी कम है, फ्लोट करेगा। ऊपर वाले लिक्विड के कारण बाय एंड फोर्स कितना आ रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, प्लस नीचे वाले लिक्विड के कारण डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, वेट ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी, निकालिए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। L by 2, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये थ्री रो है, वही सिलेंडर L लेंथ का, इसकी डेंसिटी कितनी है टू रो, अब ये कितना होगा x, निकालिए फाइंड x। अभी तक हम तो क्वेश्चन पे पहुंचे नहीं, तो मेरे को पूछना है डेंसिटी ऑफ बॉडी कम है लिक्विड से, तो मतलब कि फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा इसका मतलब बाय एंड फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द बॉडी, जल्दी कीजिए। टू एल बाई फाइव, डेंसिटी मास ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम इन टू जी, अ बाय एंड फोर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस इन टू जी, तो ए जी ठीक है,
तो अगर अभी आप ध्यान से देखें, अब क्वेश्चन पूछा गया जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक रो डेंसिटी का लिक्विड है मेरे पास, ठीक है, रो डेंसिटी का लिक्विड है, मैं इसको डाल रहा हूं इसमें, तो मैं कितनी हाइट तक डालूं ताकि ये लेवल बराबर हो जाए, मतलब कि जो सिलेंडर है इसके टॉप तक ये लिक्विड आ जाए, तो मेरे को कितना रो लिक्विड डालना पड़ेगा? क्वेश्चन आया सर ने, मैं लिक्विड डाल रहा हूं इतना लिक्विड डालूं ताकि ऊपर वाला जो खाली जगह है यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ लिक्विड भर जाए, क्वेश्चन क्लियर है? ये मत कहिएगा कि जो डिस्टेंस बची उतना डालना पड़ेगा, एम्स का क्वेश्चन है ये। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिए, इधर आइए, जो सबमरीन वाला केस डिस्कस कर रहा था, अगर यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, आपने कहा कि इसके ऊपर लिक्विड कितना है, ठीक, जब आपने नेट फोर्स निकाला था तो नेट फोर्स में इसके ऊपर लिक्विड के कारण जो फोर्स है वो कहीं पर आ रहा है क्या? ये तो इंडिपेंडेंट है ना, ठीक है, इसके ऊपर लिक्विड हो या ना हो, ठीक है, अगर इसके ऊपर लिक्विड नहीं भी होता ऐसा केस होता तब भी यही आता? नहीं आ रहा समझ में? ये सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि अगर इसके ऊपर लिक्विड होता या नहीं होता तब भी फोर्स ही आता, बायन फोर्स ही होता है, देख लीजिए फुल्ली समर्ज है, तो बायन फोर्स कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू जी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इनटू एल और जी, यही आ रहा था ना, तो इसके ऊपर लिक्विड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने क्वेश्चन किया ये वाला, यही तो क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखें तो नीचे डेंसिटी 3 रो की है, ठीक, ऊपर डेंसिटी लिक्विड की रो की है, तो यहां पे जो एक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, एल बाई टू ना, ठीक है, और ऐसा हुआ क्यों? अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, रियलाइज होना चाहिए कि हुआ क्या क्वेश्चन में, जब आपने देखा कि मैंने 3 रो वाले लिक्विड में डाला है तो बायन फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक के कारण लग रहा है, सिर्फ एक लिक्विड इसमें बायन फोर्स लगा रही है, ठीक है, 3 रो वाले, अब जैसे ही दूसरा लिक्विड मैंने डाला तो दूसरे लिक्विड के कारण भी बायन फोर्स आने लगा, तो बॉडी को ऊपर ले जाएगा, तो अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मेरे को ये एक्स तो पता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अभी कितना, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो मैं एक्स तो निकाल लूंगा ना कि अभी कितना डूबा हुआ है, ठीक, अब मेरे को ऑप्शन दे दिया, ये 2L/3 लगभग 0.6L हो गया ना, और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर मैं दूसरे लिक्विड को डालूंगा तो वो भी इस पे बायन फोर्स लगाएगा, अब बायन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड, इसका मतलब इसका मोशन ऊपर होना चाहिए, अगर इसका मोशन ऊपर होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिया पहला कि ये 0.7L है, दूसरा 0.8L है, 0.9L है, और चौथा 0.4L है, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, मेरे को कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया कि एक और लिक्विड डालूंगा तो इससे बाइंड फोर्स वो भी लगाने लगेगा, तो इसके कारण ये जो बॉडी ऊपर मूव करने लगेगी, इसका मतलब जो पहले एक्स आ रहा था वो अब एक्स की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, आगे समझ में, लिख लीजिए पूरी जितनी कहानी बताइए, इसको अपने वर्डिंग एक्सप्लेन करके लिखिए, क्वेश्चन के साथ हुआ क्या,
जो भी हमारे ऐसे ऑप्शन बोले आप तो ये करने लगेंगे, हटा दीजिए। नोट कर लिया? यस सर। एक कौन है? इसकी हाइट एच है, रेडियस आर है, जिसका डेंसिटी ज्यादा लिक्विड से, जिसको रस्सी से लगा के रखा है, पानी में डाल दिया। उससे क्या फर्क पड़ता? सो 2/3 pi rho h r का स्क्वायर। सही है।
देखें, अगर यहाँ पे देखें इसके ऊपर लिक्विड इतना ही है ना, ये जो लिक्विड है यही तो इस पे फोर्स लगाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस लिक्विड के वेट को ही तो ये फोर्स बैलेंस कर रहा है। इस लिक्विड पे जो नीचे फोर्स लग रहा है उसी को तो ये बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा जो इस लिक्विड का वेट होगा, इस लिक्विड का वेट कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये देखिए एक आपका क्या बन रहा है, सिलेंडर कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 होता है सिलेंडर का। तो ये बचा हुआ क्या रहेगा, 2/3। ये मेंस में पूछा था। प्रेशर हाई पॉइंट पे अलग अलग है और एक पॉइंट पे लिक्विड हाई का अलग अलग है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं, पॉइंट को चेंज करें तो यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा कि नहीं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर है? यस सर। जितनों के वीडियो ऑफ है ना मैं बिन बोले ही रिमूव कर दूंगा। एक्सेलरेटेड स्ल्यूट नीट में कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ फॉर्मूलों को याद रखें, ठीक है। जितने भी मैं फॉर्मूले करवाऊंगा, डेरिवेशन भी करवा रहा हूं, लेकिन आप लोग सिर्फ फॉर्मूलों को याद रखेंगे नीट वाले स्टूडेंट। अब मान लीजिए कि बकेट है, हम लोग बकेट को मूव कर रहे हैं, बकेट को मैं ऊपर ले जा रहा हूं विथ एक्सीलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये लिक्विड की हाइट है आपकी h। तो मेरे को इस वाले पॉइंट पे पूछा गया प्रेशर कितना होगा। बेसिक को याद कीजिए, हम लोग अगर इस वाले पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होता है नॉर्मल, वो नॉर्मल mg के इक्वल होता था, ठीक। और याद कीजिए लिफ्ट वाला केस, जब हम लोग बात करते थे कि अगर मैन लिफ्ट में खड़ा है, वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो अगर ऊपर की तरफ लिफ्ट मूव कर रही है तो नॉर्मल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जी प्लस ए, और जब नीचे डाउनफॉल होता है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो जो नॉर्मल होता है वो एम जी माइनस ए हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि अगर इस वाले पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर के बारे में बात करूं तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, ऊपर से पी नॉट तो लगी रहा है, प्लस रो जी कितना हो जाएगा। अगर ये नीचे मूव करेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस लिख लीजिए।
सर इस बार टेस्ट में फिजिक्स में अभी तक जो हो गया वो सब आ रहे हैं, कुछ और सिलेबस है? नहीं, जहां तक फिजिक्स में हो चुके वहां तक। ओके सर। नोट कर लिया दोनों के? एक बार इसको डाउन में मूवमेंट करवा दी, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करवा ली। हम लोग एक बार थोड़ा सा जनरल केस को डिस्कस करते हैं कि लिक्विड जब रेस्ट पे है, मतलब कि बकेट रेस्ट पे है, जब बकेट रेस्ट पे था तो आपने इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर लिखा था वो लिखा था पी नॉट प्लस रो जी एच। एच ये हाइट थी। अगर एच को मैं ध्यान से देखूं तो सरफेस के परपेंडिकुलर था, ठीक है, और सरफेस के अलोंग जितने भी पार्टिकल्स थे वो मूव तो नहीं कर रहे थे। तो अगर मैं यहां पे देखूं कि इस पे फोर्स लग रहा है mg, मैं किसी एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक। अगर इस पे फोर्स mg लग रहा है तो अलोंग द सरफेस फोर्स का कंपोनेंट कितना है? जीरो, 90 डिग्री है। का अलोंग द सरफेस जो फोर्स का कंपोनेंट है वो कितना है? जीरो है। इसका मतलब जो लिक्विड है वो रेस्ट पोजीशन पे है। अगर मैं बकेट में पानी रखता हूं तो पानी रेस्ट पे रहता, मूव नहीं करता, ठीक। अब वो क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि उस पे अलोंग द सरफेस नेट फोर्स जीरो है, तो अलोंग द सरफेस आपका पार्टिकल्स मूव नहीं करता। अब मैंने कहा कि जो बकेट है इसको मैं क्या कर रहा हूं, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं विथ एक्सीलरेशन ए। अगर मैं राइट डायरेक्शन में मूव करूंगा तो आपने देखा होगा जो लिक्विड होता है वो ऐसे इंक्लाइंड हो जाता है। ऑब्जर्व किया है कि नहीं? अगर बकेट में पानी रख के अगर आप दौड़ेंगे तो पानी पीछे से गिरता आगे से नहीं, ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। तो यही पूछा गया कि ये कितना थीटा होगा। निकालिए निकालिए। और ये क्वेश्चन एलएलएम में हम लोग कर चुके हैं। मैंने बोला था फिजिक्स हम लोग पढ़ चुके, बस अप्लाई करते जाना है सभी कॉन्सेप्ट को। आज बकेट घर पे जाएंगे। अब देखिए अभी आपने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आ चुकी है, ए एक्सीलरेशन से भाग रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन आ चुकी है तो आपने कोई सा भी स्मॉल पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस स्मॉल पार्टिकल से अलोंग द सरफेस नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो ना। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ये तो मूव कर रहा होगा अभी भी कहीं ना कहीं, ठीक। इसका मतलब अलोंग द सरफेस इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? स्मॉल मास इंटू जी। इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? ऑब्जर्वर यहीं पे बैठा हुआ है, स्यूडो। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका? थीटा। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? डी एम जी कॉस, सॉरी साइन थीटा। और डीएम का ये थीटा होगा तो ये भी थीटा। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? डी एम ए कॉस थीटा। तो नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल अलोंग द सरफेस g sin theta is equal to g cos a cos theta। तो यहां से tan theta is equal to क्या आ गया? a upon g। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि ये आपका वेज है, ये थीटा है, ये m मास है, इस पे मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये क्या रहे? रेस्ट पे रहे। और आपने कहा था यहाँ पे tan theta is equal to कितना आएगा? a upon g।
यहां से एक्सीलरेशन निकाला था, उससे फोर्स निकाला था, किया था। सर स्क्रीन चली गई। इशिता को समझ में आ गया कि मैं रिमूव कर रहा हूं, तुरंत वीडियो ऑन हुआ। चलिए तो आज यहीं तक, ठीक है, कल इस पे बहुत सारे क्वेश्चन और करने हैं। आप लोग टाइमली ज्वाइन कीजिए 4:45, ठीक है सर। ठीक है, टाइम टेबल में 5 बजे का टाइम है, लेकिन 15 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।